नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। फर्रुखाबाद सूबे की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारत विश्व की बड़ी शक्ति बन गया है, और उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट और सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा की। और इसके साथ ही राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि 2023 के आम बजट में केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पूरा ध्यान दिया है, जिसमें महिलाओं की जन आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतर रही है और जनता में प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास बढ़ा है, और जिसके कारण भारत विश्व के ताकतवर देशों में शुमार हो चुका है। भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है, और महिलाओं की सुविधा, किसानों की समृद्धि को लेकर बजट में कई योजनाएं हैं, और सरकार शिक्षा को लेकर विशेष ध्यान दे रही है, और ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से देश की संस्कृति, सभ्यता और आधुनिक तकनीक से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। चले रुक करते अगली खबर की ओर। अमेठी खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश यादव ने समाजवादी पार्टी के अमेठी में जमकर बरसे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आना मुंगेरी लाल के सपने देखने जैसा है। अखिलेश यादव ने जनता का विश्वास खो दिया है और अब उनके झांसे में जनता नहीं आने वाली है। गिरीश यादव के निशाने पर मायावती भी रही है। आपने देखा होगा जब 14 का चुनाव था तो मुख्यमंत्री थे, ठीक नहीं थे? मुख्यमंत्री थे ना, तब भी यही बात करते थे। लेकिन 2014 में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती। उनके मुख्यमंत्री रहते 2017 में जब चुनाव हुआ तो 375 सीटें जीती। 2019 में हमारी सरकार आई, बुआ और बबुआ दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ी। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में जिले के स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी अपने चहेते अस्पताल संचालकों पर मेहरबान दिख रहे हैं। आरोप है कि वो अवैध अस्पताल और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आपको बताते चलें कि सिद्धार्थनगर जिले में केवल 49 हॉस्पिटल का ही रजिस्ट्रेशन है, और वहीं डुमरियागंज में ही सैकड़ों फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। और सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज का बीते दिनों ही जीवन हॉस्पिटल के संचालक के ऊपर एक प्रस्तुता के पति के डॉक्टर पर लापरवाही से इलाज कर पत्नी और बच्चे का मौत का आरोप लगाया था। और साथ ही डुमरियागंज में ही संचालित नेशनल हॉस्पिटल पर भी एक महिला की मौत का आरोप लगा था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ बीएन चतुर्वेदी ने जीवन हॉस्पिटल और नेशनल हॉस्पिटल, हिंद हॉस्पिटल और इसके साथ ही रिलैक्स फिजियोथेरेपी और इसके साथ ही डॉक्टर बंगाली, इन 5 हॉस्पिटलों पर जांच की थी, जिसमें सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था, और जवाब न दे पाने पर जीवन हॉस्पिटल के संचालक के ऊपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा के अधीक्षक डॉक्टर श्रवण की तहरीर पर डुमरियागंज थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। लेकिन सवाल ये है कि एक हॉस्पिटल पर कार्रवाई कर मेडल लेने में माहिर सिद्धार्थनगर जिले का स्वास्थ्य विभाग, नेशनल हॉस्पिटल हिंद और हॉस्पिटल पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अभी जीवन हॉस्पिटल में जो प्रकरण जांच में आया हुआ है, उसके आधार पे उसके संचालक के खिलाफ एफआईआर के लिए यहाँ के कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया है, और बाकी जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल हैं उनको भी नोटिस दे करके और जवाब तलब किया गया है। समुचित जवाब नहीं मिलने पे, और अगर वो अवैध हैं और उनके रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने पे, उनको आगे विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जीवन हॉस्पिटल में मौत हुआ था उसमें आपके द्वारा तहरीर दी गई है, लेकिन नेशनल हॉस्पिटल में भी मौत हुई थी, उसमें क्या मामला था, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी वो जांच चल रही है कि मौत का क्या कारण है, मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।
शाहजहांपुर में फाइलेरिया के खिलाफ 10 फरवरी से अभियान चलाया जाएगा और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गौतम ने बताया कि 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें घर घर जाकर फाइलेरिया के मरीजों को खोजेगी और उन्हें इस बीमारी के खिलाफ जागरूक भी करेगी। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें अपनी आंखों के सामने मरीजों को दवाई खिलाएगी और साथ ही सीएमओ ने बताया है कि इस अभियान के तहत 9 लाख से ज्यादा लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग लगभग 370 टीमें बनाई है जो घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवाई खिलाएगी और इससे बचाव के लिए उन्हें जागरूक भी करेगी। कई कई बार इसकी सर्जरी करनी पड़ती है, वेस्कुलर सर्जरी करनी पड़ती है, उसके बाद भी मरीज ठीक नहीं पाता। तो किस तरह से हम लोगों में जागरूकता फैलाएं? फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत में अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया। हरदोई के सांडी थाना इलाके के सखेड़ा गांव में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक को शक था कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग है और इसी के चलते उसने उसकी हत्या कर दी थी। और मामले का खुलासा करते हुए SP राजेश द्विवेदी ने बताया है कि 1 फरवरी को सांडी थाना क्षेत्र के सखेड़ा गांव में सरसों के खेत में एक 50 वर्षीय अज्ञात अधेड़ का शव मिला, जिसकी पहचान अमृत द्विवेदी पुत्र सत्य प्रकाश द्विवेदी निवासी ग्राम धोंधनी के रूप में हुई थी और मृतक के पिता सत्य प्रकाश की तहरीर पर हत्या और शव को छुपाने के मामले में FIR सखेड़ा गांव निवासी रिजवान के विरुद्ध ही पंजीकृत की गई थी और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई थी। और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान सांडी तिराहे से रिजवान को बरोलिया पुल से कहीं जाने की फिराक में मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। जनपद के थाना सांडी के गांव में खेतों में एक मृत व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी, जिसकी शिनाख्त उसी थाना क्षेत्र के एक अतुल द्विवेदी नाम के व्यक्ति के रूप में हुई। उसके सर पर वार किया गया था, पोस्टमार्टम से सर के पे हुए वार से मृत्यु होना ज्ञात हुआ था। परिजनों ने पड़ोस के गांव के एक रिजवान नामक व्यक्ति पर शक जाहिर करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो फरार चल रहा था। इस रिजवान नामक व्यक्ति को आज अरेस्ट किया गया है, जिसने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी से अवैध संबंधों के शक पर उसने इस अतुल द्विवेदी की हत्या की थी। इसकी ही निशानदेही पर मृतक के पैंट जो कि उस समय उसके शरीर पर नहीं थे और हत्या में प्रयुक्त जो पत्थर है वो बरामद किया गया है। खबर काशगंज से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इसके साथ ही पुलिस ने हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के कब्जे से 4 बने हुए तमंचे और एक अधबना तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। बताते चले आपको कि अमारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर कदीम के ही जंगल में हथियार फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के ड्रग इंस्पेक्टर दीपा कुमारी द्वारा नकली और नशीली दवाओं की बिक्री करने को लेकर रूटीन चेकिंग के दौरान निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल के पास मौजूद न्यू चौधरी मेडिकल स्टोर के फर्म के ही प्रोप्राइटर और इसके साथ ही फार्मासिस्ट मोहम्मद असलम मौके पर उपस्थित थे और DI दीपा ने ही बताया कि न्यू चौधरी मेडिकल स्टोर संचालक के पास मौके पर ही दवाओं की खरीदारी बिल मौके पर उपस्थित नहीं मिले और साथ ही मौके पर 3 संदिग्ध दवाओं के नमूने के जांच भी भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई होगी। फतेहपुर में पुलिस और SOG टीम ने ही ड्रग को सेफ बताया जा रहा है कि डीजल चोरी का ये मामला सामने आया है, जहां पे बता दें आपको कि ट्रकों से ही डीजल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया गया है। टीम ने भारी मात्रा में, इसके साथ ही आपको बता दें कि डीजल, देसी बम और तमंचा, गांजा, एक स्कॉर्पियो गाड़ी,
तेल निकालने का मशीन, ड्रग और अन्य उपकरण बरामद किया गया है। मामले का खुलासा एसपी ने किया है और जिला मुख्यालय में मौजूद पुलिस लाइन परिसर में डीजल चोर गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि कल्याणपुर थाना प्रभारी नीरज यादव और एसओजी प्रभारी अनिरुद्ध कुमार द्विवेदी ने रेवाड़ी ब्रिज के पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी को ही संदिग्ध खड़ी देखकर तलाशी ली तो उसमें 6 शातिर अपराधी बैठे थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनको टीम ने पकड़ लिया। बांदा में नदी में नहाते समय डूबकर युवक की मौत का मामला सामने आया है। वहीं युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बांदा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर युवक की मौत बताई जा रही है। बता दें आपको कि नदी में नहाते समय डूबने से इस युवक की मौत हो गई है। वहीं जिस तरह से जानकारी हासिल हो रही है कि युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर मृतक को डॉक्टरों ने मृतक को ही मृत घोषित कर दिया। चरिया पुत्र राम सेवक गलिया निवासी खिली नाका और इनकी उम्र करीब 40 साल थी और ये मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया है। इसके परिजन बता रहे हैं कि ये के नदी में आने गया था, वहीं पर इसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम करवाने की भेज दिया गया, पोस्टमार्टम के कारण इसका पता चलेगा मौत कैसे हुई है। एक व्यक्ति नदी में नहाने के लिए उठता था और नहाते समय ही उसके डूबने के कारण मौत हो गई है। तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया था लेकिन डॉक्टरों ने मृत्यु को घोषित कर दिया। उसका नाम पता कुछ नाम ये रहने वाला है खिन्नी नाका का। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के रोकथाम के लिए एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने दिशा निर्देश में कई प्रकार के अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में ही कोल्ही थाना क्षेत्र के ही जोगियाबारी में एसएसबी के सहायक कमांडेंट सुखबीर घोष और थाना अध्यक्ष महेंद्र यादव के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली से नेपाल की ओर भेजे जा रहे 108 बोरी अवैध गेहूं के एक साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और वहीं पुलिसिया पूछताछ अभियुक्त ने अपना नाम ओम प्रकाश बताया है। सीओ कोमल प्रसाद मिश्र ने बताया कि पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा ही एक ट्रॉली ट्रैक्टर पर लदा 108 बोरी अवैध गेहूं के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच भी की जा रही है। आज दिनांक 8/2/23 को सुबह लगभग 6 बजे एसएसबी व कोल्ही पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गश्त व संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ओम प्रकाश प्रजापति पुत्र ढुनमुन निवासी ग्राम भरवलिया थाना कुल्ही जनपद महाराजगंज उम्र करीब 45 वर्ष को जोगियाबारी के पास से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1 अदद मै ट्रैक्टर ट्राली वाहन संख्या UP56AE7450 उस पर 108 बोरी गेहूँ बरामद किया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। विगत 3 फरवरी को बड़हगंज थाना क्षेत्र के ही खरडेसरी गांव के खेत में एक युवक की लाश पुलिस को बरामद हुई थी और युवक की गला काटकर निर्मम हत्या की गई थी। लिहाजा एसएसपी ने घटना के सफल अनावरण के लिए गोला थाना के एसएसआई और बड़हलगंज पुलिस को संयुक्त रूप से लगाया था, जिसमें टीम के हाथ सफलता लगी है और सबूतों के आधार पर ही पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात की मुख्य आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त छुरी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने बताया है कि मृतक ग्रिजेश उर्फ गोलू कंपनी में ही काम करता था और उसकी पत्नी का कई सालों से अवैध संबंध बहन के जेठ के साथ चल रहा था और इसलिए पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। फिर प्रेमी ने 2 साथियों के साथ मिलकर ग्रिजेश को मौत के घाट उतार दिया। 4/2/23 को थाना बड़हलगंज क्षेत्र के बारीडीहा गांव में गिरजेश नाम के एक व्यक्ति जो राजगीर का काम करता था, उसकी गला काट करके हत्या कर देने की सूचना थाना बड़हलगंज को मिली थी। मृतक के भाई की तहरीर पर बनाम अज्ञात ये मुकदमा थाना बड़हलगंज में
पंजीकृत हुआ। इसके खुलासे के लिए दक्षिणी क्षेत्र में एसएसआई गोला के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम और प्रभारी निरीक्षक बढ़लगंज के नेतृत्व में गठित थाने की टीम ने सर्विलांस की मदद से तत्काल प्रयास शुरू किया और थोड़ी देर बाद ही ये बात लगभग पुष्ट हो गई। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गर्जा है और जिला प्रशासन द्वारा ही टेम्पो स्टैंड की जमीन को चिन्हित कर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। और आपको बता दें कि इसको लेकर ही टेम्पो स्टैंड चिन्हित जगह पर अवैध लोगों की दुकानें में चस्पा किया गया था और जाम से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित टेम्पो स्टैंड की जगह को खाली कराया गया है। थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और मोबाइल फोन लूटकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर मोबाइल लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा एक शातिर मोबाइल लुटेरे हिमांशु पुत्र पवन को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु के कब्जे से लूटे गए 3 मोबाइल जो है वो बरामद बताए जा रहे हैं। सहारनपुर में 6 फरवरी को देवबंद पुलिस को सूचना मिली थी कि शुभम नामक युवक पर कुछ युवकों के द्वारा तेजाब फेंका गया और थाना अध्यक्ष देवबंद ने टीम के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे से 5 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला है कि युवक शुभम की सगाई हो गई थी और जिस लड़की से सगाई हुई थी उससे लड़की से ही उसको लेकर मास्टरमाइंड उदय उर्फ भोला का प्रेमी प्रसंग चल रहा था और जिसको लेकर भोला ने अपने साथियों को साथ लेकर इस घटना को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि शुभम की जिस लड़की से सगाई हुई थी उससे वो प्यार करता था। और पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अभी भी 2 युवक फरार चल रहे हैं और जिनकी पुलिस तलाश कर रही है और इसके साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी भी बरामद की है। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में श्रावस्ती पुलिस ने ऑपरेशन कवच अभियान चलाया है और एसएसबी 42वीं वाहिनी जमुनाहा और सिरसिया के ही पुलिस चौकी राजपुर मोड़ पर संगोष्ठी कर ऑपरेशन कवच अभियान की शुरुआत हुई। और वहीं एसपी प्राची सिंह ने इंडो नेपाल बॉर्डर के ही ग्राम सुरक्षा समिति सदस्य संघ की ही गोष्ठी की है और सदस्यों को बॉर्डर क्षेत्र में अराजक गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने के लिए पुलिस को सूचित करने के लिए जागरूक भी किया गया है। जालौन में शादी समारोह में शिरकत करने आए अटरिया ग्राम के प्रधान और उसके साथी पर दबंगों ने बुलेरो कार चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया और ये घटना पुलिस के सामने घटित हुई है। इस घटना की सीसीटीवी भी सामने आई है जिसको लेकर पीड़ित अपने साथी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के शिकायत करने पहुंचे और साथ ही गाँव के ही दबंगों पर जान से मारने का आरोप लगाया है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारी ने मामले की जाँच की बात कही है। बता दें कि घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के जालौन बाईपास में मौजूद जमुना पैलेस विवाह घर के बाहर की है और इस विवाह घर में अटरिया ग्राम के प्रधान दीपू खटीक अपने साथी के साथ शादी समारोह में शिरकत करने के लिए 6 फरवरी को आए हुए थे और जब वो रात्रि के समय शादी समारोह में ही शिरकत करने के बाद विवाह घर के बाहर ही अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे थे उसी दौरान जालौन बाईपास की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही सफेद कलर की बुलेरो कार ने ही ग्राम प्रधान दीपू खटीक और उसके साथी के ऊपर कार चढ़ा दी जिससे दोनों लोग सड़क पर ही उलझकर जा गिरे और दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। यह हादसा वहां मौजूद पीआरबी के सामने हुआ है लेकिन इसके बावजूद पीआरबी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया और टक्कर मारने के बाद बुलेरो चालक तेज रफ्तार से कार लेकर भाग गया। ग्राम प्रधान और उसके साथी को बुलेरो द्वारा ही टक्कर मारने की घटना विवाह घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और
घटना के बाद ही शादी समारोह में शिरकत करने आए लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने सड़क किनारे घायल पड़े दोनों लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया और आराम मिलने पर पीड़ित इस घटना की शिकायत लेकर जालौन के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, जहां ग्राम प्रधान अटरिया दीपू खटीक ने बताया है कि उनका एक मुकदमा SC/ST न्यायालय में चल रहा है, जिसमें गाँव के दबंग ठाकुरों के खिलाफ गवाही देनी है, इसलिए गाँव के दबंगों ने उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। जालौन में चोरों ने रोडवेज बस में चोरी की घटना को अंजाम दिया है और चोर युवक के बैग से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। शातिर चोर बैग को काट कर उसमें रखने सोने चांदी के जेवर निकाल कर फरार हो गए। पीड़ित ने उरई कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड का बताया जा रहा है। क्या नाम और कहाँ से आए? सर कामा दीक्षित, तो मैं उरई से सर, राजेंद्रनगर मोहल्ले से सर। क्या मामला है, किस मामले को लेकर यहाँ आए? सर मैं अपनी बहन को छोड़ने कालपी स्टैंड से कानपुर जा रहा था, तो चार अज्ञात व्यक्ति बस में हमारे बैग के पास आकर बैठ गए और सर वो झोलूपुर मोड़ के पास उतर गए। उसके सर बाद बस में कोई बैठा ही नहीं और मेरे बैग से सर लगभग 12-13 लाख के जेवर सर पूरे निकाल लिए। कुछ जानकारी हुई है कौन थे या कौन लोग हैं? कालपी स्टैंड से मैंने सर वीडियो फुटेज सर निकलवाया, तो चार युवक हैं वो मेरे आसपास घूमते हुए अज्ञात संदिग्ध नजर सर आ रहे हैं। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता महिला ग्राम प्रधान को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में वर्तमान महिला ग्राम प्रधान गायब हो गई थी और परिजनों के काफी खोजबीन के बाद भी महिला प्रधान का पता नहीं लग पाया था, जिसके बाद घटना के पांचवें दिन परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने सक्रिय दिखाते हुए 36 घंटे में महिला प्रधान को बरामद कर लिया है। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गाँव का है। रायबरेली में बीते दिनों ही गुरबख्शगंज में हुए अभय सिंह हत्याकांड के मामले में चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। बताते चले कि 3 फरवरी को अभय सिंह की दुर्घटना हुई थी और 6 फरवरी को ही उसकी मौत हो गई थी। इस मामले पर काफी बवाल हुआ तो पुलिस ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में अच्छी तरह से जांच करते हुए छानबीन की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और आपको बताते चले कि मामले के एक दिन बाद परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने शव रख कर काफी हंगामा भी काटा था, जिसमें परिजनों ने मामा सहित 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि गुरबख्शगंज पुलिस ने अभय सिंह हत्यारों को गिरफ्तार कर अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के सामने पेश कर जेल भेजने के लिए भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज जनपद के ही सदर कोतवाली क्षेत्र के घनेहा धनई गांव में ही बीते 6 फरवरी को एक 55 वर्षीय व्यक्ति की ईंटों से कुचलकर हत्या का मामला सामने आया और पुलिस एवं क्राइम की टीम ने ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मृतक का एक साथी निकला, जिसने नशे की हालत में रुपए लूटने की नीयत से ही हत्या की घटना को अंजाम दिया था। उसके कब्जे से लूटी गई नकदी सहित मृतक का मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार बीते 6 फरवरी की दोपहर पुलिस को सूचना मिली थी कि धनिया धनी गांव के ही समीप गेहूं के खेत में एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान उसी गांव के निवासी 55 वर्षीय अखिलानंद पांडे के रूप में की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और मौके पर एक अज्ञात व्यक्ति का खून से सना स्वेटर और कुछ ही दूरी पर एक मतदाता पहचान पत्र बरामद किया है और जांच के दौरान पता चला है कि स्वेटर और मतदाता पहचान पत्र मृतक के ही एक साथी उसी गाँव का निवासी जब्बार का निकला। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ 6 तारीख की सुबह 11 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कोतवाली थाना क्षेत्र के धनेवा ग्राम में कि वहाँ पर एक अधेड़ व्यक्ति घायल अवस्था में मिले हैं। वहाँ पर जब पहुँच के देखा गया तो वहाँ पर जिनकी शिनाख्त हुई थी उनका नाम अखिलानंद पांडे, उम्र लगभग 55 वर्ष, उनके चेहरे पर एक ब्लंट ऑब्जेक्ट की इंजुरी थी और वहाँ पर वो मृत अवस्था में मिले थे।
चले रुक करते अगली खबर की ओर। महोबा में पहाड़ पे खनन करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें पहाड़ के पत्थरों के नीचे दबकर दो मजदूरों की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर घायल हुए हैं। सूचना पर परिवार के लोग भी घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को निकालने का काम किया है। बड़े हादसे की सूचना मिलते ही डीएम मनोज कुमार और एसपी सुधा सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं और मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर हर मदद का भरोसा दिया गया है। तो वहीं शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई के साथ साथ नियम अनुसार मदद किए जाने की बात डीएम ने कही है। जिलाधिकारी मनोज कुमार बताते हैं कि घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच के लिए एडीएम के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और मृतकों के जो परिजन है और जो लिख कर ही देंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अंतर्गत जो सहायता है वो भी मृतकों के परिवार को दी जाएगी। उक्त मामले की जांच कराकर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।